आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार गोभी आलू और गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है 3 पाव गोश्त ले लिए, आधा किलो आलू ले लिए, 1 किलो गोभी ले लिया, और गोभी को जो है सिरका, नमक और हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सिरका लेके उसमें बॉईल कर लिए ताकि इसकी जो है बादी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ 2 अदद प्याज लेके काट लें, 3 अदद टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें इनको हमने कूट लिया है। प्रेशर कुकर में जो है 2 ग्लास पानी डालेंगे और अब इसमें पानी में जो है हमने गोश्त डाल देना। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक सारा कुछ एक साथ डाल दें। इस तरह जो है क्विक बन जाता है गोश्त। साथ में सारे मसाला जार डालेंगे, 2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ऐड कीजिएगा सब कुछ, 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून, 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्च ले लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और अब 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ जो होता है वो डाल दें। ये सब डाल के जो है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो है इसको कवर कर देंगे और प्रेशर बिल्ड होने तक जो है वेट करते हैं। जब इसका प्रेशर बन जाएगा तो फिर इसको हम 20 मिनट जो है प्रेशर देंगे। जब तक गोश्त जो है हमारा तैयार होता है, हम गोभी को जो है थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। ये देखें इसको अच्छे से जो है हमने चॉप कर लिया। अब प्रेशर को 20 मिनट हो गए हैं, अब जो है हम प्रेशर खोल लेंगे। हमने ऐसे ही रखना है, थोड़ा सा पानी इसमें बचा रहे और गोश्त हमारा अच्छे से गल गया। अब इसके अंदर हमने आलू ऐड कर देने हैं। आलू जो है हमारे वो इसी पानी में जो है वो गल जाएंगे अच्छे से। कवर करके रख देंगे अब 5 मिनट के लिए। आलू गल गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। वो अच्छी तरह भून लेंगे और इसमें फिर अब हमने गोभी डाल दिए, अच्छे से जो हमने मिक्स कर लेना है इसको। अब जो हमने अपनी हांडी को जो है स्लो आंच पे, दम वाली आंच पे जो है 5 से 10 मिनट के लिए रख लेना है। 5 मिनट हो गए तकरीबन, अब इसका दम खोल लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और भिंडी और हमारी जो है सब्ज़ी जो है वो तैयार है। अब इस पे जो है सूखी मेथी जो होती है 1 टीस्पून वो इस तरह हाथ में मसल के डाल देंगे। इसकी खुशबू बड़ा प्यारी आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। और साथ इस पे हरा धनिया डाल देंगे। अब जो है हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। सर्व कर लेंगे। मज़ेदार सा गोभी आलू और भिंडी तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें।